मैं जा रही हूँ गणेश जी की मूर्ति लेने की। मेरी मेहंदी का कलर जो है वो आ चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ये है तियारा और रितेशा। मैं इनके बाल इतने बड़े हैं ना कि मुझे अगर मैं नहीं बांधूंगा तो चल ही नहीं सकता। और हेयर बैंड लगाओ तो इन लोग ऐसे मेरे फेंक देते हैं, क्लिप्स भी नहीं लगी रहने देते। मुझे छोटी करनी ही पड़ती है इन लोगों को, छोटी कराने में भी इतने नाटक है ना। अगर आप मुझे पोएम दिखाइए तो वो अच्छे से देख देख के छोटी करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ कैमरा चल रहा है। मैं आपसे बात तो ये नहीं कराने वाली, बहुत मुश्किल करने वाली है। लेकिन जो भी ये बाल बहुत प्यारे हैं लोगों के, अभी मुंडन वगैरह नहीं हुआ है, हो जाएगा और अच्छे बाल आने वाले। और आज तीज, और मैंने जैसे कि कल आपसे शेयर किया था मेहंदी लगाने वाली, लेकिन मैं नहीं लगा पाई। तो अभी मैं तैयार थी तीज को ब्रेकफास्ट कराने के बाद, इनको सुलाने के बाद फिर लगाने वाली हूँ मेहंदी। कुछ एडिटिंग का भी काम है तो देखती हूँ कि कितना हो पाता है, कितनी लगा पाती हूँ। बहुत हैवी डिजाइन नहीं लगाऊंगी, थोड़ी नॉर्मल सी लगा दूँगी जल्दी हो जाए। और उसके बाद इनका लंच वंच भी प्रिपेयर शायद वो तो मम्मी करेंगी, क्योंकि मेहंदी मैंने। चलिए मैं पहले खाना खिला लेती हूँ इन लोगों को। डेडा आप अपने फोन में लगाओ ना यार, कुछ ये चोटी नहीं कर पा रही है। भूख तो लग रही है, लेकिन चोटी भी बांध दी ना, मुंह में बाल जाएंगे। लाओ दो ना, आपको फोन लगा तू बम्बा माला भूख लग। मैं रबर बैंड लाई थी ना, कहाँ चली गई थी तू? के थंब में है। अब फिंगर में। अब हैंड में। अब पाम में। पाम। अब पाम में। ये। थैंक यू बेबी, थैंक यू। देना। रबर दे दो मम्मा को, जल्दी से दे दो। और नहीं एक और थी ना यहाँ पे। ये जो दिखा मैंने दी। अरे एक एक और होगी ना। अरे तो यही दे दो। अच्छा थैंक यू। अच्छा ठीक है, डैडा जल्दी से कोई एम लगा दो। अरे वो देखो क्या आ रहा है, दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, छोटे छोटे थे, टिट्टू के जैसे थे और प्यारा जैसे थे। बदमाशी कर रहे हैं। अरे कहाँ उसके भाग रहे हैं प्यारा, कहाँ उसके भाग रहे तीर्षा फाइनली सो गए हैं और अभी आधे घंटे तो कम से कम वो लोग सोने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी मेहंदी लगा लूँ अपने हाथों पे, क्योंकि तीज है। और आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए किस किस का व्रत है आज और किस किस ने मेहंदी लगाई है। मेहंदी मेरी लग चुकी है, अभी मैंने सिर्फ आगे लगाई है, अब पीछे भी लगाने वाली हूँ। मुझे मेहंदी लगाने में बहुत टाइम नहीं लगता क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, तो मैं बहुत जल्दी लगा लेती हूँ। तो ये जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ना, ये जो मेहंदी है, ये पूरी मेहंदी मैंने 15 मिनट्स में लगा ली है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सा भरा डिज़ाइन तो नहीं है, बट फिर भी ठीक है, मतलब मुझे जैसा चाहिए था वैसा है। तो मैंने लगा ली है मेहंदी, बस अब पीछे वाले हाथ में रह गई तो मैं पीछे लगाने जाती हूँ। उसके बाद नेल पेंट लगाना है, लेकिन जब तक नेल पेंट लगाने की बारी आएगी ना, ये लोग उठ चुके होंगे और मुझे फिर से ऐसे यहाँ कहीं चढ़ के लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मेरे जैसे नेल पेंट देखते हैं ना कि ये रखी हुई है मम्मा की, नेल टूट पड़ते हैं एकदम ऐसा कि बिल्कुल हमें दे दो और उठा के फिर फेंक देते हैं, और वो कांच की शीशियाँ होती है ना, तो मुझे बहुत बचा के रखना पड़ता है। बस इतनी लगी है और ये दोनों उठ चुके हैं। क्यों रोल को आप हुए लंदा है, देखो पापा, ये तू वहां पे देखो क्या, ये देखो मेरे पास क्या है। टिट्टू
ये देखो क्या है, मम्मा के पास कौन है और मम्मा ने क्या लगाया है। आना है आपको, मम्मा के पास आना है। फिनिश हो गई मेरी मेहंदी, ये रहा पूरा डिजाइन। और 15 मिनट आगे के लिए लिया मैंने, 15 मिनट पीछे के लिए लिया है, बहुत जल्दी किया क्योंकि दोनों उठ चुके हैं अभी, एक अपनी मामी के पास है और एक तू वहाँ लेटी हुई है। आप बताइए कमेंट करके कैसी लगी आपको मेरी मेहंदी। दीदी ये देखो मम्मा के हाथ में क्या है। नो टिट्टू, ये टिट्टू ने आखिर मैं नहीं बचा पाई, टिट्टू ने थोड़ी सी मैंने खराब कर दी, तो आपके हाथ में लग गई। हाँ ये टिट्टू के हाथ में लग गई। चलो टिट्टू पोछेंगे हाथ। ज़्यादा बर्बादी नहीं हुई है, थोड़ी सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाली बात है ना टिट्टू। टिट्टू बहुत क्विक है, तेरा कुछ छन्नी मिली है। मैंने मेहंदी में मैं हमेशा इनका नाम लिखती हूँ, तो मैंने अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पे सामने, लेकिन मुझे इस बार लग रहा है मैं त्यारा टिट्टू का भी नाम लिख लेती हूँ यार। लिख लूँ क्या? त्यारा टिट्टू आप लोग का भी एक एक दूसरे हाथ में सिर्फ नाम ही लिख लेती हूँ सबके। इतने सारे नाम सर, त्यारा टिट्टू दादा का नाम सबका एक हाथ में सिर्फ नाम की मेहंदी लगा लेती हूँ। हाँ फोन नंबर लिखवा लेती हूँ, एड्रेस लिखवा लेती हूँ, सारे काम क्यों। आज मेरी मेहंदी पता नहीं किस मुहूर्त से लगी, किस मुहूर्त से मेरी मेहंदी लगी। आज पूरी मेहंदी ना लोगों ने एक किसी को गोदी में लेने से, किसी के कपड़ों में लगी, किसी के हाथ में लगी है, तुम्हारे इसमें भी लग गई है। देखो त्यारा आप पास से दिखाओ मेरी मेहंदी कैसी हो गई आज। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी तहस नहस मेहंदी, लेकिन मैं इसी में खुश हूँ कि लग गई एटलीस्ट मेरी मेहंदी। तो अब मुझे लगाना है नेल पॉलिश। त्यारा मेरा नेल पॉलिश का बॉर्डर उठा के ले, जितना निकला था इसमें मुझे लगानी है नेल पॉलिश। प्लीज बच्चों मुझे लगाने दो, प्लीज पढ़ो। लगा सकती हूँ मैं, पढ़ो। इन लोगों को दिख गया है कि मैं कुछ लगा रही हूँ। आई होप ये लोग मुझे लगाने दें। नो त्यारा, त्यारा और मेरी हालत कैसी हो रही है। भले ये लग चुका है, ये वो सब हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं सुबह से आज थोड़ा सा अच्छे से रेडी हो जाऊंगी, ना कि थोड़ा सा तैयार होंगी, थोड़ा सा लाइट सा मेकअप करूंगी, लेकिन वो सब पॉसिबल नहीं हो पाया। सुबह से टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि अगर वो सब करती तो ये सब नहीं हो पाता। मतलब 5-5, 10-10 मिनट का भी अगर मैं ब्रेक लूँगी ना, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, तो थोड़ा सा यार मुश्किल हो जाता है। बट ठीक है, अभी ये मेहंदी सूख जाए, उसके बाद थोड़ा सा रेडी वेडी होंगी मैं शाम तक, क्योंकि पूजा तो शाम को करनी है, तो शाम तक रेडी हो जाऊंगी। अभी खाना खाना है मुझे थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा ये सूख जाए उसके बाद खाना खाती हूँ। फिर त्यारा तितिशा को भी खाना खिलाना है, क्योंकि एक बज चुका है, तो टाइम हो गया खाना वाना खाने का सबके। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है आज यहाँ पे। सुबह से कपड़े नहीं सूख रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, लेकिन मज़ा आता है बारिश में, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बाहर दिख रहा होगा आपको, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है आज। ठंड बढ़ गई है, इसलिए अभी त्यारा की टीशा को जो मैंने सुबह कपड़े पहनाए थे, मुझे वो चेंज करना पड़ा, उनको फुल पहनाना पड़ा। नहीं निकाल लिया मैंने, और अभी पीछे की नहीं निकाली है, क्योंकि ये ना पूरी तरीके से सूखी नहीं है। आज बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे बताया आपको बारिश हो रही ना, तो मौसम में इतनी ज़्यादा नमी है आज कि मेहंदी सूखी नहीं रही है। मतलब पीछे की मेहंदी तो अभी तक नहीं सूखी, आगे की किसी तरह मैंने निकाल दी है। बट कलर बहुत प्यारा आता है ये मौसम में, बोलते हैं ना स्पेशली बारिश के मौसम में जो मेहंदी लगाते हैं उसका कलर कुछ अलग ही आता है। हेलो गाइज,
मैं जा रही हूँ गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने शेयर किया था कि कल गणेश जी बैठ रहे हैं और हम लोग स्थापना कर रहे हैं, तो मैं गणेश जी की मूर्ति लेने जा रही हूँ। और मैं इतना तैयार हूँ कि गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए नहीं जाती वैसे, लेकिन अभी आज तीज है और मुझे आके पूजा करनी है तीज की। और एक बात और फिर से मैं क्लियर कर दूँ, मैं तीज का व्रत नहीं रखती हूँ। मेरे ससुराल में तीज का व्रत होता है, मेरी सासू माँ रखती है, लेकिन मैं नहीं रख पाती हूँ तीज का व्रत। लेकिन पूजा मैं करती हूँ, इसीलिए बस वापस जाके मैं पूजा करूँगी। सारी तैयारी हो चुकी है पूजा की, बस मुझे जाना है वापस और पूजा करनी है यहाँ। इसलिए भी हम लोग पहले मूर्ति लेने के लिए आ गए, क्योंकि अगर ये सब बंद हो गया, मूर्ति वगैरह ये सब मतलब नहीं मिली, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर वो लोग नहीं ज़्यादा देर तक उन्होंने अपनी शॉप लगाई ना, तो फिर वो भी रह जाएगा। और फिर कल सुबह शायद जल्दी स्थापना, वो मुहूर्त वगैरह देखेंगे जो सुबह वाला मुहूर्त होता है उसमें हम लोग स्थापना कर देते हैं, तो वो सब भी है। और मिट्टी के लेंगे शायद हम लोग, प्लेन देखेंगे अगर मिल जाएगा तो उसको भी डेकोरेट मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो सब भी मैं डेकोरेट करूँगी। और मंदिर का काम हमारा पूरा हो चुका है, लाइटिंग वगैरह सब हो चुकी है, वो भी मैं आपके साथ पूरा स्थापना होने के बाद का जो फाइनल लुक होगा वो मैं आपको इस ब्लॉग में तो शायद नहीं आ पाएगा, वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में लेकिन ज़रूर आएगा। और आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, मतलब मुझे रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि रिस्पांस नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं और रेगुलर भी करते हैं, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग रेगुलर जो कमेंट करते हैं वो लोग जुड़े हैं ना जो लोग मुझसे, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि अब तो मैं उन लोगों को मतलब जानने लग गई हूँ। और कुछ एक तो ना सच में एक्चुअली मेरे एक तो हैं मेरे मेरी इंस्टा पर भी वो जुड़ गई हैं और मुझे तो वो अपनी फ्रेंड जैसी लगने लगी हैं। तो ये एक ब्लॉगर की लाइफ का ना ये एक बहुत अच्छा पार्ट है कि आपको ऐसे पर्सनली, क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हो ना तो आपको आपको जो कमेंट्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी ऐसे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आते हैं, तो एक अटैचमेंट हो जाता है व्यूअर्स का भी हमसे और हमारा भी अपने व्यूअर्स से हो जाता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कनेक्शन। अभी मेरी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं अभी, लेकिन जितने भी आ रहे हैं ना मतलब अच्छा लगता है, जो कमेंट्स आते हैं ना पढ़ के ऐसा लगता है कि यार कोई तो है मतलब कि जो केयर करता है आपके बारे में। बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप अपना ख्याल रखिएगा, दो बच्चों के साथ आप इतना काम कर रही हो, ख्याल रखो अपना, बहुत अच्छा लगता है मतलब। तो फाइनली हम लोग आ गए शॉप पे और अब बारिश हो रही है, छाता लगा के जाना पड़ेगा हम लोगों को, तो मैं जाती हूँ मूर्ति लेने के लिए, उसके बाद घर पे वापस आके आपसे मिलती हूँ। और पूजा हो चुकी है, त्यार दीदीशा ने भी पूजा कर ली है और अब हम जा रहे हैं, त्यार दीदीशा का डिनर वाला टाइम हो गया है, 8 बज चुका है, तो अभी ये लोग डिनर करेंगे। त्यारा दीदू प्रसाद भी खा रहे हैं आप, तो आप लोग तो प्रसाद भी खाने लगे, वेरी गुड, यस मस्ती शुरू। बस अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए और आज भाभी बना रही है गार्लिक नान, उन्होंने बनाई है मिक्स दाल, वो एकदम दाल मखनी के जैसे मिक्स दाल बनाती है, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनाती है, और उसके साथ गार्लिक नान बन रही, तो मैं वो भाभी के साथ बनवाऊंगी। अभी हम लोगों ने बहुत सारे लहसुन छीले हैं उसके लिए, और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर जो है वो आ चुका है अभी, और कल तक बहुत प्यारा हो जाएगा ये और डार्क हो जाएगा। ये दोनों मस्ती कर रहे हैं दोनों की दोनों मेरे पीछे, और यहाँ हमारे मंदिर की लाइटिंग वाइटिंग का डेकोरेशन का काम भी डन हो चुका है और मेरी गणेश जी की मूर्ति आ चुकी है, ये रही जो कि अभी पैक्ड है, इसको मतलब हम लोग मुंह नहीं खोलते हैं पहले, बाद में ही खोलेंगे, अगर डेकोरेशन कुछ करना होगा तो खोलूँगी, और उसके बाद फिर कल जब स्थापना होगी उसका मैं कंप्लीट ब्लॉग आपके साथ पूरा शेयर करूँगी गणेश चतुर्थी का, कि हमारे यहाँ कैसे क्या सेलिब्रेट होता है, क्या क्या हम लोग बनाते हैं, कैसे स्थापना होती है, सब मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। और आज का ये वाला ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, आई होप आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आया होगा, ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा, और बाकी अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय।